कोरोना में कैंसिल हुए शादी तो मिलेंगे 10 लाख रुपए। आइए बताते हैं इसकी स्कीम की पूरी डिटेल्स। दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के कारण फिर से दहशत है। कई देशों में फिर से लॉकडाउन की स्थिति बन गई है। भारत में भी ओमिक्रॉन के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। बता दें कि कोरोना को लेकर राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत अब दिल्ली में शादी या किसी तरह के फंक्शन में 20 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ऐसे में जिन लोगों ने जनवरी फरवरी में शादियों की बुकिंग कर रखी है, उन लोगों की टेंशन बढ़ गई है। कई लोगों ने आर्थिक नुकसान के बावजूद शादियां कैंसिल कराने लगे हैं। अगर आपने भी ऐसा किया है तो आपके लिए काम की खबर है। अब आपको कोरोना के दौरान शादी कैंसिल कराए जाने पर 10 लाख रुपए का फायदा मिल सकता है। दो कोरोना की दो लहर गुजर जाने के बाद जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा था। लोग फिर से पहले की तरह शादी फंक्शन और ट्रैवल प्लान कर रहे थे, लेकिन अब फिर से महामारी तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार ने भी सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए नई गाइडलाइंस की वजह से इस साल भी कई शादियां कैंसिल हो सकती हैं। वहीं बैंकेट हॉल, मैरिज हॉल, फार्म हाउस आदि की बुकिंग लाखों में होती है। ऐसे में बुकिंग कैंसिल करने पर कई बार ये लोग पैसा वापस करने से मना कर देते हैं। देश में कई कंपनी ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आपको वेडिंग इंश्योरेंस देती है। देश की कई इंश्योरेंस कंपनियां आपको शादी का इंश्योरेंस भी बेचती है। इससे आपको शादी कैंसिल होने से लेकर आपके जेवर चोरी होने तक और शादी के अचानक बाद एक्सीडेंट होने पर आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। अगर आपने अपनी शादी का इंश्योरेंस कराया है तो आपको नुकसान नहीं होगा। दरअसल इसमें इंश्योरेंस कंपनियां शादी के लिए पहले से पैकेज तैयार करके रखती है, तो वहीं कुछ कंपनियां जरूरत के हिसाब से भी पैकेज ऑफर करती हैं। बता दें कि केटरर को दिए गए एडवांस पर बुकिंग किए जाने वाले किसी हॉल या रिजॉर्ट के एडवांस पैसे ट्रेवल एजेंसियों को दिया गया है। एडवांस पैसा शादी के कार्ड छपने पर दिए गए पैसे, सजावट और म्यूजिक के लिए दिए गए पैसे, शादी के वेन्यू सेट से लेकर अन्य सजावट पर दिए गए पैसे, इंश्योरेंस लेने से पहले आपको शादी के खर्च की सारी जानकारी इंश्योरेंस एजेंसी को देनी होती है। जैसे ही आपको नुकसान होगा, अपनी इंश्योरेंस कंपनी को तुरंत इसकी जानकारी दें। इसके बाद अगर आपकी कोई चीज़ चोरी हुई है तो इसकी जानकारी पुलिस को दें और FIR कॉपी का इंश्योरेंस कंपनी को सौंपें। क्लेम करने के लिए फॉर्म भरें, सभी कागजात कंपनी में एक साथ जमा करें। आपके इंश्योरेंस कंपनी इसकी जांच पड़ताल के लिए रिप्रेजेंटेटिव भेजकर पूरी जानकारी लेगी, तभी क्लेम किए हुए पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। अगर आपका किया हुआ क्लेम सही साबित होगा तो नुकसान की पूरी भरपाई बीमा कंपनी करेगी। गलत होने पर क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी रकम सीधे शादी के वेन्यू या वेंडर को दे सकती है। अगर किसी भी तरह से पॉलिसी होल्डर क्लेम की हुई राशि से खुश नहीं है तो वो सीधे कोर्ट जाकर अपने मामले को रख सकता है। किसी भी सूरत में वेडिंग इंश्योरेंस क्लेम दुर्घटना होने के 30 दिन के अंदर सेटल हो जाएगी। इसके बाद से आपके गए हुए पैसे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो जल्दी से करवा लें, क्योंकि कोरोना में कैंसिल हुई शादी तो मिलेंगे 10 लाख रुपए।